हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता भारद्वाज फ्रॉम प्रोटेक्शन फॉर सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ चार्ट के एर्थ हाउस के बारे में। तो आपकी जन्म कुंडली में जो एर्थ हाउस होता है वो कौन कौन से एस्पेक्ट आपके लाइफ के कवर करता है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एर्थ हाउस के बारे में। तो इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एर्थ हाउस जो होता है वो लॉन्जिविटी का एंड सडन इवेंट्स का हाउस होता है। ये आपकी आयु का हाउस होता है, ये आपके हिडन सीक्रेट्स जो भी रहते हैं, हिडन नॉलेज रहती है उनका हाउस होता है। ये आपके हिडन टैलेंट्स का हाउस होता है, हिडन नॉलेज, हिडन सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स जो आप हमेशा हाइड रखना चाहते हैं उन सारी चीज़ों का ये हाउस होता है। हिडन नॉलेज जैसा कि मैंने बताया, तो अकल्ट साइंस, मिस्टीरियस चीज़ें, उन सारी चीज़ों को ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने बताया सडन इवेंट्स, तो आपकी लाइफ में जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, सडन अप एंड डाउन, सडन गेन, सडन लॉस, उन सारी चीज़ों को एर्थ हाउस से ही स्टडी किया जाता है। जो भी आपके अनएक्सपेक्टेड लाइफ के और सडन चेंजेस होते हैं वो एर्थ हाउस से स्टडी करे जाते हैं। इसके अलावा एर्थ हाउस होता है जॉइंट एसेट्स का, जॉइंट एसेट्स जो आप अपने स्पाउस के साथ रखते हैं उनका एर्थ हाउस होता है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स आपके होते हैं जॉइंट अपने स्पाउस के साथ, उन्हें एर्थ हाउस से स्टडी किया जाता है। इनहेरिटेंस एंड इंश्योरेंस का हाउस होता है एर्थ हाउस। इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिस्ट्रीज का हाउस होता है, और आपकी बैड कर्माज, जो भी बैड डीड्स, जो डार्क साइड ऑफ लाइफ आप समझ सकते हैं, वो भी एर्थ हाउस से ही स्टडी करे जाते हैं। साइकिक एबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, ये भी एर्थ हाउस से ही स्टडी करा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो एर्थ हाउस के लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बर्थ चार्ट के नाइन्थ हाउस का। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।